नमस्कार, आप देख रहे हैं री इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। महिला दिन के उपलक्ष्य में नागपुर ग्रामीण पुलिस और सामाजिक संगठन जनक्रोश द्वारा एक कैलेंडर का विमोचन किया गया। देखते हैं री इंडिया न्यूज की खास रिपोर्ट। महिला दिन के उपलक्ष्य में नागपुर ग्रामीण एसपी विजय मगर सर के मार्गदर्शन में नागपुर ग्रामीण कार्यालय में जन आक्रोश संस्था की ओर से एक कैलेंडर का विमोचन किया गया, जिसमें बहुत से संदेश दिए गए हैं कि सड़क दुर्घटना, जो बच्चे लोग वाहन चलाते हैं उसमें सड़क दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं एसपी सर विजय मगर सर से कि उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। सर बताइए। एक रास्ते सुरक्षा के बारे में हम महिला दिन के उपलक्ष्य में एक आज कैलेंडर हमने विमोचन किया है। इसमें जन आक्रोश जो संस्था है, जो इसमें बहुत एनजीओ जो बहुत ही अच्छी काम कर रही है, एक लीडिंग एनजीओ है अपने नागपुर में या पूरे देश में, वो वैसे काम कर रही है। इसमें ऐसा दिख रहा है कि जैसे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अगर हम इसमें पढ़ाए कि ट्रैफिक के बारे में रूल्स बताए, तो भी ऐसा लगता है कि पब्लिक ख्याल नहीं रखती इसकी। तो इसके लिए जो टारगेट ग्रुप हमने अभी सिलेक्ट किया है वो 8वीं से 12वीं कक्षा के जो बच्चे हैं उनके लिए किया है। और यहाँ ये बच्चों को हम एक अलग ढंग से सिखा रहे हैं कि जैसे हेलमेट कैसे पहनना चाहिए, कैसा इसका मतलब है कि देखिए कि कछुए को उनका एक सुरक्षा गार्ड उनके सर पे रहता है, तो वो कहाँ भी हो तो उसमें बच जाता है। लेकिन अगर जो कोई ट्रैवलर है वो हेलमेट नहीं पहनेगा टू व्हीलर के ऊपर, तो निश्चित उनकी जान का बहुत बड़ा खतरा है। जन आक्रोश के माध्यम से और मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश जी कुंभेजकर जिला परिषद के उनके सहयोग से हमने इसमें अभी सभी 1000 स्कूल में ये प्रोग्राम चालू किया था। पिछले 3-4 महीने से एक कार्यक्रम चालू है। अभी इसमें ऐसा हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 स्कूल तक हम अभी तक पहुँचे हैं। अभी बीच में कोविड आया था इसलिए थोड़ा रुकावट भी आई। तो अभी जो चल रहा है कि 500 और जो स्कूल है इसमें हम ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। सभी जगह जन आक्रोश की भी टीम रहेगी, उसके पास बढ़िया कुछ वीडियो है, बच्चों को उसमें सिखाएंगे और उनको ये अलग तरीके से हम ट्रैफिक के बारे में उनको उनका जान बचाना, एक्सीडेंट कम करना जो हमारा उद्दिष्ट है, तो उपलक्ष्य हम जरूर इसमें करेंगे। सर, आपको लगता है नागपुर शहर की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं होते इस वजह से, और ख़ासकर छोटे बच्चों के? इसमें एक है कि नागपुर एक पूरे देश में ऐसा एक ठिकाने है, वो पूरा सेंटर में यानी मध्यवर्ती ठिकाने है। यहाँ सभी जगह से गाड़ियों जो मुझे व्हीकल बहुत ही ज़्यादा आबादी से है। दूसरा, रोड बहुत अच्छे होने की वजह से भी बहुत स्पीड से गाड़ी जाती है। तो इसमें हमने ज़्यादा ज़्यादा ये देखा है कि बच्चों को अगर हम अभी पढ़ाएंगे तो वो खुद रूल इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये करेंगे, जैसे वो रूल वो खुद के लिए करेंगे, अप्लाई करेंगे तो वो एक्सीडेंट से बच जाएंगे, ये हमारा थीम है। री इंडिया न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। जन आक्रोश संस्था की ओर से एक कैलेंडर का विमोचन किया गया, जिसमें उन्होंने बच्चे जो सड़कों पर वाहन चलाते हैं और उससे दुर्घटनाएं हो जाती है उसी की थीम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कैलेंडर का ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है। आइए जानते हैं इस प्रकार से एनिमल्स को लेकर उन्होंने जो डिज़ाइन किया है कैलेंडर को, वो उनके दिमाग में आइडिया किस प्रकार से आया? हम लोग देखते हैं। सर, आपका परिचय दे दीजिए। मैं रवि कासखेड़कर हूँ, जन आक्रोश का फाउंडर सेक्रेटरी हूँ। जन आक्रोश विगत 10 साल से जो काम कर रहा है, इस साल हमने हर साल हम कैलेंडर निकालते 3-4 साल से, लेकिन इस साल हमको ऐसा लगा कि कैलेंडर थोड़ा इफेक्टिव होना चाहिए। बहुत सोच समझ के हमने एनिमल्स की जो हैबिट्स है उसका अभ्यास करके, एनिमल्स बर्ड्स और ये जो है उनकी उनके हैबिट्स का चिंतन करके, हमको ख्याल में आया कि इट कैन अप्लाई टू अवर ट्रैफिक एजुकेशन ऑल्सो। तो ये हमारा 12 डिज़ाइंस वाला बहुत आर्टिकुलेटेड अच्छा कैलेंडर है, जो अभी अपने रूलर ने पिकअप किया है। हमने वैसे छापा है उसको ऑलरेडी, हमने 1 तारीख से छापा है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। अब ये जो कैलेंडर है वो अप्रैल से मार्च तक है, यानी ये जो है ये फाइनेंशियल ईयर वाला है और हमारा जो है इंग्लिश कैलेंडर है।
तो ये खासकर छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए ये कैलेंडर का ऐसा आपने सोचा है, तो आपको लगता है इससे कहीं ना कहीं कुछ तो फर्क पड़ेगा सड़क दुर्घटना? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमने अभी जो लगाए हैं वो हमने पूरे इसमें नागपुर के 200 स्कूल्स में लगाया है, बाकी जो है बाकी जगह हमने अभी रूरल में जाएंगे हम, तो उसका ये जो फॉर्मेटिव एज है यानी बच्चा जो 8 से 15 तक रहता है ये जो फॉर्मेटिव एज में रहता है उसको दिमाग में उसका रहता है कि कुछ ना कुछ सीखने का, तो उसमें ये बात को सीखेगा तो ज़िंदगी भर याद रहेगा। ये एज की जो भी बात हमें एक पोएम रहती है, हम जो पढ़ते हैं उसको हमको ज़िंदगी भर याद रहती है, वैसे ही जो जो एनिमल हमने कोरिलेट किया है उसकी उनके हैबिट्स में परिवर्तन होगा ऐसा हमारा विश्वास है। तो कहीं ना कहीं जो छोटे बच्चे हैं वो सड़कों पर ऐसे वाहन दौड़ाते हैं जैसे कि उन्हें उनके हाथ में ब्रेक होता ही नहीं है और वो सलंग ऐसे गाड़ी चलाते हैं और कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो जाए, लेकिन उनके परिवार के पीछे जो दुख रह जाता है वो कहीं ना कहीं बहुत दर्दनाक होता है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए री इंडिया न्यूज़। हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।